नमस्कार, आप सभी का हिंदी स्टोनो क्लास में स्वागत है। आज हम अध्याय 10 में सत के लूप के बारे में पढ़ेंगे। सत लूप, सत तथा षष्ठ की ध्वनि एक छोटे लूप से प्रकट की जाती है। इस लूप की लंबाई उस रेखा से आधी से कुछ कम होती है जिसके साथ वह लगाया जाता है, जैसे सूरा, सूरा, स्त्री, इसके साथ लूप लगाया, समास, समस्त, आधे से कम लूप लगाना है, सिर, स्तर, कास्त। यदि किसी शब्द के अंत में आने वाले सत तत या षष्ठ हैं पश्चात कोई स्वर हो तो वहाँ लूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। मस्ती, पुष्टि। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों में षष्ठ को प्रकट करने के लिए भी सत लूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टोर, स्टेट। सत लूप को सुविधा अनुसार मध्य में भी प्रयुक्त उपयोग में किया जाता है, जैसे राजस्थान, पुस्तैनी, और यदि हम अस्तर के लूप को हम सत लूप के अनुसार ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आधे लंबा लिखेंगे, आउटलाइन से आधे से ज़्यादा, रेखा की दो तिहाई से ज़्यादा लिखना है। बिस्तर, पेस्तर, आधे से ज़्यादा लिखना है। राष्ट्र, वाक्यांश में सत लूप का प्रयोग साथ के लिए भी किया जाता है, जैसे इसके साथ, मेरे साथ, हल्का सा लूप देना आपको, उसके साथ, धन्यवाद।